बचपन पचपन और पचानवे हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। दीदे उर्दू क्या मैंने इससे पहले भी अपने प्लेटफॉर्म पे कहा कि हारून भाई जो कहना कि उन्होंने जो किताब मेले का पहला दिन था तो बाकायदा अपने बच्चों को नया कपड़ा, अपनी बेटियों को नया कपड़ा सिलवा करके पहना करके लाया और मुझसे कहा कि आज उर्दू की ईद है। क्या बात, दूर होते हुए उन्होंने उस तरीके से किया। इससे पहले जो किताब मेला था उसका नाम अशराए इल्म अदब रखा गया था, उस हवाले से भी हम कोशिश करेंगे कि 10 दिनों का ये प्रोग्राम है। मैं चाहूँगा कि मुशाहिद रिजवी साहब जो है हमारी मालिकाओं की जो नौजवान नस्ल है उसमें जबान के हवाले से एक बहुत मतबर नाम है, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि अदराए करम अपने मशवरों से नवाजे। अस्सलाम वालेकुम, बातें बहुत सारी हो चुकी हैं, मैं उन तमाम बातों की तारीफ करता हूँ। बस ये चाहूँगा कि आज खुशनवीसी का रिवाज खत्म होता जा रहा है, खताती और खुशनवीसी का रिवाज बिल्कुल जने खत्म होता जा रहा है, लिहाजा चाहिए कि इस मौजू पर भी तवज्जो दी जाए। और हमारे यहाँ आज भी बहुत अच्छे अच्छे खतात मौजूद हैं जो अपने फन में बड़ी मशाती के साथ फरोग उर्दू का काम कर रहे हैं, तो लिहाजा इस बात को भी मद्देनजर रखें। बस इतना कहकर मैं ये आप देखें कि कितनी अहम बातें सामने निकल के आ रही हैं, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं इसकी कहना चाहिए हम तमाम हजरत आयद करते हैं, उसका इजाफा हम लोग कर देंगे। मैं कोशिश ये करूँगा कि यहाँ अशफाक उमर सर मौजूद हैं, उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी इस सिलसिले में पहले भी हमारे साथ थे, अपने मशवरों से निभाते थे। यहाँ पर बेहतरीन तजावीज़ पेश की गई है, और उससे पहले ये कि आप मुझे प्रोग्राम तरतीब दिया है पूरी टीम ने, वो भी बहुत बेहतरीन है, तो मेरी जानिब से तो उसकी पूरी तारीफ है। पिछली मीटिंग में मैंने एक बात का जिक्र किया था और साइंस का आपका तो अभी उसमें पूरा एक दिन ही फोकस है, मगर मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि वो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो उस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे आम सत्य पर, क्योंकि बच्चों के लिए अभी कहा भी गया है कि ये इसका थीम जो रहेगा वो अदब अतफाल रहेगा, तो कुछ ऐसी आज का मौजूदा वक्त जो साइंस का है तो कुछ ऐसा माहौल बनाया जाए जैसे मैंने पीछे कहा था कि उर्दू मेला साइंस मेला, तो कुछ ऐसा माहौल बनाया जाए कि बच्चों का ध्यान साइंस की तरफ क्लिक करे। ये मेरी तजवीज़ थी जो पहले भी किया था मैंने, ये एक कोई मखसूस प्रोग्राम नहीं किया जाए बल्कि उसकी माहौल साजी की है कि बच्चों का ध्यान साइंस की तरफ जाए, यही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ चाहूँगा कि मुईन भाई जो है वो यहाँ तशरीफ लाए हैं, और थोड़ी देर पहले आप नहीं थे तो यहाँ पे जिम्मेदारों में से किसी एक साहब ने इस पे कहना चाहिए तवज्जो दिलाई कि शामनामा में एक मज़मून आया था। मैं चाहूँगा कि मुईन भाई जो है वो मेले के हवाले से, कल हम लोगों की मुलाकात हुई, लोगों ने यकीन दिलाया कि किताब के फरोग की बात है तो हम हर तरीके से उर्दू वालों के साथ, इससे पहले भी लोगों ने तावुन किया था, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अदराए करम दो मिनट एक तो अपने मशवरे की किस तरीके से जबान को मुस्तहकम करने में मेले को कामयाब किया जा सकता है वो उनका इदारा किस तरीके से साथ होगा। और जो एक थोड़ा सा कल बदमजगी जैसी बात हुई, हालांकि हम लोग जब मामला कर रात में बात हुई तो वो हम लोगों का दिल साफ हो गया है, सिर्फ अहबाब ने चूंकि ये बात यहाँ सामने की है तो मैं मुईन साहब से दरख्वास्त करूंगा कि अदराए करम इसमें अपना मौका जो है अपना मौके उसकी बजाय करें। यहाँ मैं अंजुमन तालीम जमहूर के रुख की हैसियत से, और जैसा कि इम्तियाज भाई ने कहा कि उन्होंने बहैसियत अंजुमन के मैनेजिंग बोर्ड के मेंबर के मुस्तकिम डिग्निटी साहब से कल रात में मुलाकात की थी, कुछ बातें जो कल शामनामा के अखबार शाये हुई उसमें दरअसल मुस्तकिम साहब को भी उनके सामने कुछ बातें अलग अंदाज में पेश की गई, उस वजह से एक लेटर बना जो
कहा गया कि आगे अथॉरिटीज को फॉरवर्ड किया गया है, लेकिन हमने उस लेटर को रोकने के लिए कह दिया था। और आगे की बातचीत कल रात में इतिहास भाई के साथ हुई और बहुत मुस्बित बातचीत हुई। अंजुमन का मौकूफ बिल्कुल साफ है, अदब के नुकसान के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जिसकी वजह से मालेगांव शहर में अंजुमन के साथ साथ साथी निहाल अहमद साहब के खानवादे का नाम खराब हो। मैं यहाँ इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि मालेगांव शहर में जो भी कदम उर्दू अदब या तहजीब सकाफत के फरोग के लिए उठाया जाएगा उसमें अंजुमन तालीम जमहूर, जनता दल सेकुलर और खानवादे साथी निहाल अहमद साहब हमेशा पेशपेश रहेगा और उसमें बढ़ चढ़ कर मदद भी करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। बोला बहुत अच्छे मोहित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीन हम दिलाते हैं आपको जिस तरीके से तमाम स्कूलों को साथ लेकर, और ये साथ लेकर चलने की बात है ही नहीं, ये किसी एक इदारे के पास का काम ही नहीं। एडीडी हाईस्कूल वाले ने वाजे तौर पर ये बात भी यहाँ मौजूद है, ये किसी एक इदारे का काम नहीं है, ये सबका काम है। मालेगांव सोसाइटी ऑफ एजुकेशन एक छोटा सा नाम है, हमारे यहाँ पे उससे बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, उनकी खिदमात मालेगांव सोसाइटी से ज्यादा बड़ी है, लेकिन ये कि सिर्फ एक कहना चाहिए रास्ते का नाम है मालेगांव सोसाइटी ऑफ एजुकेशन। ये पूरा मेला पूरे शहर की हर स्कूल का मेला, मैं तमाम स्कूलों को इसका मेजबान समझता हूँ। और ये 10 दिन जो है इशाक सेठ का, हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हर दिन एक स्कूल को दे दिया जाए कि ये आज का मेला, आज का दिन आपका दिन है, इस दिन आज सारे इंतजाम जो करने हैं, सारी चीजें जो होगी वो आपके जरिए होगी। तो इंशाल्लाह हम वो कोशिश करेंगे। आप क्या नाम? अहमद शकील साहब जो है वो अच्छा तशरीफ ला, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि अल्लाह करम तशरीफ लाएं। और मुझे लगता है कि अब इस मामले में हम लोगों को कोई बात नहीं करनी है, हम कोशिश ये करेंगे इंतहाई मजबूत अंदाज में हम मेले को कामयाब करने में किस तरीके से लग जाते हैं, बस मैं यही चाहता हूँ। सबसे पहले तुम्हारे अंजुमन की जानिब से तायद और हिमायत करता हूँ। और यहाँ पर मैंने बहुत सारी बातें सुनी और सब चीजों को अपनी अपनी राय जो थी वो सब काफी मतलब बेहतर रही, लेकिन मैं साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे शहर के जो उदाबा और शुरा है, जो बकैदे हयात है और जो गुजर चुके, इन तमाम के नामों से जो के साहिब किताब है, यानी कि जिनकी अब तक किताबें शाये हो चुकी हैं, ऐसे तमाम उदाबा और शुरा के जो डिजिटल बनाए जाए और उनको ये जो किताबी मेले में जो दो बाकायदा जगह दी, और इनकी कौन सी किताब है और किस किताब, यानी शेरी किताब मजमुआ है या अफसानी मजमुआ है, ये डिटेल उसके ऊपर रहे। और साथ ही साथ एक जो मुझको गुज़िश्ता किताब मेले से शिकायत है वो ये है कि मुझको पहली बार जो किताब मेला हुआ 14 में, उसमें कौंसिल की जानिब से बाकायदा शिरकत के लिए लेटर दिया है एज अ खत्ता या आर्टिस्ट, मैंने उसमें जो तो शिरकत की और अपने फनकारों से जो तो एक स्टॉल को सजाया, लेकिन ये बहुत अफसोस के साथ यानी कहना पड़ता है कि उसके बाद हमको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया, जब जो होना ये चाहिए था कि जिस तरह से तमाम लोगों को आपने सर्टिफिकेट दिए वैसे अब तक भी पहुंचना चाहिए। ये जो पहला जो हुआ था जेडी में है ना, हाँ उस दौरान मैंने जो हिम्मत आराम थे उनसे मैंने रब्ता भी किया, लेकिन किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए है ना। और साथ ही साथ जो जो मैं किताब मेले की कामयाबी के लिए एक ख्वाहिशात पेश करता हूँ किसी के बाद। अगर ऐसी कोई बात और ऐसी कोई गलती की है तो मैं और मेरे ख्याल से जितने भी मुंतजमीन हैं वो आपसे, आपके जो लोग हैं उनसे माफ़ी चाहते हैं। पर जो बात है कि जिस आदमी का रिकग्निशन होना चाहिए काम का, वो होना ही चाहिए। दूसरी अहम बात यह कि आपने जो ये बात की कि फोटोग्राफ्स होने चाहिए, तो ये गेट जो है ना मराठी स्कूल का वो गेट है, वहाँ से लेकर के यहाँ तक दोनों जाने 100-100 फीट के बैनर लगेंगे, 10x100, 10x20 के 5 बैनर इधर, 10x20 का 5 बैनर उधर, ऊपर जो है वो
इस पे क्या बोलते कपड़े के उस पे उर्दू खत्ताती की भी चीजें लटकती रहेंगी ताकि बच्चा जब यहाँ से दाखिल हो तो एक तरफ उर्दू अदब के जो मशाहिर हैं जो आलमी उर्दू अदब के मशाहिर हैं उनकी तस्वीर उनका कोई शेर उनकी कोई चीज वो लगेगी और उसके बिल्कुल मुकाबले में मालेगांव शहर के जो उदबा शोरा साफी हजरात हैं उनके हवाले से चीजें यहाँ से वहां तक इंशाल्लाह लगाई जाएंगी ताकि यहीं से एक माहौल बन जाए ये कोशिश करिए। मैं चाहूंगा कि नौजवानों में से भी कुछ लोग हैं यहाँ पर इमरान चलेंगे इमरान राशिद साहब इमरान राशिद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी दरखास्त करूंगा कि अपने मशवरों से नवाजें और उसके बाद हम अपने बुजुर्गों से बात करेंगे कुछ लोग एक और साथी हैं उनसे बात करने के बाद इंशाल्लाह। तजवीज तो जितनी भी आई है माशाल्लाह मैं समझता हूँ ऐसी कोई कमी नज़र नहीं आ रही और जिस तरह से मेहनतें की जा रही है तो ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि मेरा इंशाल्लाह बहुत कामयाब होगा। फलाही साहब ने जो एक बात पेश की थी तो आपने कहा कि ख़्वातीन के लिए जो दिन मखसूस किया गया उसकी आपने वजह बताई तो वो उसको रखा जाए और मर्दों के लिए भी एक दिन जो है फिक्स किया जाए तो बेहतर होगा और उसमें एक दो तजवीज़ ये है सर कि आम तौर से देखने में आते जो सकाफती तकारीब हैं प्राइवेट स्कूलों में तो माशाल्लाह होती है हर मौके की मुनासबत से लेकिन जो प्राइवेट स्कूलें हैं वहाँ पर बहुत कम ये मामला नज़र आते हैं तो क्यों ना ऐसा हो कि कोई एक प्रोग्राम या कोई एक दिन ऐसा रखा जाए जिसमें प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं सिर्फ वही उसमें हिस्सा लें उन प्रोग्रामों में और एक प्रोग्राम ऐसा भी हो जाए जैसे यहाँ पर प्रोग्राम हो रहे हैं जिसमें तमाम तलबा के लिए ही प्रोग्राम हो रहे तो क्यों ना एक प्रोग्राम असाजगर के लिए भी हो जाए या बैतबाजी का हो या गजल गोई का हो या नस्ल निगारी का हो कोई एक प्रोग्राम जो है असाजगर के लिए बहुत अच्छे इमरान दोनों तजावीज़ बिल्कुल ऐसी हैं कि जिनके काम होना चाहिए असाध्य के ये भी कोई चीज़ होना चाहिए और हाशिम सर जो है वो चूंकि साल पहले मीटिंग से साथ में है तो ये बात हुई है कि एक दिन पूरा दिन जो है मुझे स्कूलों को देना है वो किस तरीके से करना है उसको कैसे खूबसूरत बनाना है वो उसके लिए इंशाल्लाह हमारी टीम उस पर काम करेगी। असाध्य के लिए क्या प्रोग्राम हो सकता है इसका भी अगर एक आप व्हाट्सएप ग्रुप में है अगर उसमें कोई मशवरा हो तो वो कर लें। मैं इससे पहले कि हमारे जो जिम्मेदार हैं उससे बात शुरू हो मैं रिमांड सर से चाहूँगा स्टेज पर दशीला वक्त में कहने के लिए पहुंचे और माशाल्लाह इनका स्कूल हमेशा साथ में रहा है और हमें उम्मीद है कि आगे भी ये हमारे साथ ही रहेंगे। इससे पहले के रेहान सर गुफ्तगू करें आप बैठे ना सर मैं चाहूंगा कि एक और नौजवान जो है हमारी टीम के साथ जुड़े हुए हैं इम्तियाज रफीक साहब मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि आपके जहन में चूंकि नौजवानों से जोड़ना है तो किस तरीके से आपके जहन में क्या इस सिलसिले में क्या कहना चाहिए बातें हैं वो अग्राय क्रम बताएं। मैं फिरोज दिलावर साहब से दरखास्त करूंगा कि अग्राय क्रम आगे तशरीफ लाएं। फिरोज भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत सारी बातें ऑलरेडी आ चुकी हैं लेकिन एक बात मेरे जहन में ऐसी गूंज रही थी कि जहाँ पर उर्दू अदब के हवाले से बात की जा रही है और उर्दू की तरवीज और उर्दू को फ़रोग देना है तो मैं ये समझ रहा था कि तलबा को जोड़ते हुए उनमें एक जिद ये पैदा की जाए कि तलबा से कुछ अल्बम बनवाएं जिसमें नसर निगार हो और शोरा भी हो फिर वो चाहे मुश्ताक अहमद मुश्ताक हो या मुश्ताक यूसफी इन तमाम लोगों को जोड़ते हुए तलबा जो है वो अपने स्कूलों से पार्टिसिपेशन करें और इसके लिए असातिज़ा और स्कूल के जिम्मेदारान जो है उनको तरकीब दें तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि एक उर्दू जबान हक ये दिया गया होगा। फिरोज भाई से दरख्वास्त है कि हम कैसे कल्बों को जोड़ें कैसे इदारों को जोड़ें उस हवाले से इससे पहले भी आपने काफ़ी कहना चाहिए ज़बरदस्त खिदमत अंजाम दी थी उस हवाले से क्या मशवरे हो सकते हैं फिरोज दिलावर साहब। देखिए ये किताब मिला जो होने जा रहा है हमारे शहर में इसके पहले जो कामयाबी हासिल की है उसको देखते हुए मुझको ये लगता है कि शहर के अच्छे तरीके से अप्रोच होना ये हमारी जिम्मेदारी है और इंशाल्लाह हम लोग आपस में तय कर सकते हैं भाई और बाकी जो जिम्मेदार को लेकर ऐसी है जो कि हम लोगों को कुछ समझनी होगी कि कहाँ पर क्या पीछे
हमारे नर्क में क्या मिस्टेक रह गई थी या हमसे काम पर कोताही हुई है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? और वो कुछ मतलब मुझको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है, वो हम लोग आपस में बैठ के कर लेते हैं। बचपन पचपन और पिचानवे हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।